नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिटूनिया के सीड्स को कैसे इकट्ठा करें और उसे कैसे संभाल के रखें। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, दो पॉट में मेरे पास पिटूनिया के चार कलर है, अलग अलग, पिंक है, पर्पल है, रानी कलर है और सफ़ेद कलर है। दोस्तों इसके सीड्स यहाँ पर ही इसके साथ ही उगते हैं फूल के सूखने के बाद। सभी फूल के सूखने के बाद नहीं होते, पर कुछ जगह पे होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। आप आगे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे सूखे हुए भाग भी देख सकते हैं और हरे भाग भी देख सकते हैं। अब दोस्तों सूखे भाग मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है देखिए ये वाला भाग, इसे हम काट लेंगे। इसके अंदर ही सीड्स होते हैं, ज़रा संभल के काटे, पौधे को नुकसान ना कर बैठना काटते समय, कि इसके पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बीच में सीड्स होते हैं। यहाँ आप एक गुमटी जैसा देख रहे हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। दोस्तों इसके सीड्स ज़्यादातर थे वो गिर गए शायद अंदर ही, पर आप यहाँ जो बारीक बारीक कण देख रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये उसके सीड्स है। तो दोस्तों हमें ऐसे सूखे हुए हिस्से जहाँ भी दिखे पौधे पे, वो सब इकट्ठे कर लेने हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पौधों पे से ये सूखे हुए भाग तोड़ ली, जिसमें हमारे सीड्स है, कुछ हरे वाले भी है, जो अभी अभी फूल उसका गिरा था वो फूल मुरझा कर उसके अंदर उसके सीड्स हो गए थे, वो भी भाग सूख चुका है, तो उसके अंदर से भी हम सीड जमा कर सकते हैं। ये भाग आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पिटूनिया के सीड्स होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए ढेर सारे सीड्स के अंदर से निकल चुके हैं बाहर, करीबन 50 के आसपास या उससे ज़्यादा सीड्स होंगे ये। ढेर सारे सीड्स हैं यहाँ पे, वैसे ही सभी में से इकट्ठे कर लेंगे हम, इस कागज़ पे इकट्ठा करके रखेंगे पहले। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी सीड्स को वहाँ से निकाल लिया है। यहाँ बहुत सारे ढेर सारे तकरीबन 200 के आसपास सीड्स है, कि बहुत ही छोटे हैं। इनको अब हम प्लास्टिक की छोटी सी बैग में या कागज़ की बैग में पैक करके रख सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक की बैग या कागज़ की बैग ना हो, तो आप उसको खुद बनाकर उसको संभाल कर रख सकते हैं। अभी मैं इसको मोड़ के रख देता हूँ, बाद में मैं उसको पैक कर दूँगा। दोस्तों यहाँ हमारा सीड सेविंग का पहला वीडियो पूरा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।